हे गाइज एंड वेलकम बैक। सो आज के वीडियो के लिए मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। एक्साइटेड इसीलिए बिकॉज पिछले 3-4 सालों में मैंने बहुत सारी साड़ीज स्टाइल करी हैं, अलग अलग कलर्स की स्टाइल करी हैं, बट एक कलर जो मैंने कभी भी स्टाइल नहीं करा, दैट इज़ द वाइट कलर फैमिली, एज इन द बेजेस, द क्रीम, आइवरी, वो कलर्स कभी भी स्टाइल नहीं करे। सो आज फाइनली मैं एक वाइट साड़ी स्टाइल करने वाली हूँ। इट इज़ अ गॉर्जियस मुकेश चिकनकारी साड़ी, बहुत सुंदर साड़ी है। एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ द रीज़न कि मैं नर्वस भी हूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू द ब्यूटी दैट दिस साड़ी इज़। सो ये साड़ी एक्चुअली एक साल से अलमारी में पड़ी थी और मैंने काफ़ी ट्रायल्स करे कि मैं इस साड़ी को एक यूनिक और फ्रेश वे में कैसे स्टाइल कर सकती हूँ। सो सबसे पहले तो मैंने ट्राई करा कि मैं एक मल्टी कलर्ड ब्लाउज के साथ स्टाइल करूँ, जैसे कच्छ की एम्ब्रॉयडरी होती है उस टाइप के ब्लाउज के साथ स्टाइल करूँ। फिर मैंने सोचा साड़ी पर गोल्डन मुकेश है, मैं गोल्डन ब्लाउज से भी स्टाइल कर सकती हूँ, बट किसी में भी मज़ा नहीं आ रहा था। मज़ा एज इन कि मैं चाहती थी लुक बिल्कुल यूनिक लगे, बिल्कुल फ्रेश लगे, जैसे हमने नहीं देखा ऐसा लुक। दिस इज़ समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू क्रिएट। सो आई थिंक आफ्टर एन ईयर आई हैव फाइनली क्रिएटेड दैट आई वॉन्टेड। आई एम प्रिटी हैप्पी विद हाउ द आउटफिट हैज़ टर्नड आउट, बट आप बताना आपको कैसा लगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस साड़ी के साथ कैसा ब्लाउज बनवाया। वैसे तो स्टैंडर्ड इस साड़ी के साथ एक जॉर्जेट फैब्रिक ब्लाउज पीस आया था, जो हर साड़ी के साथ आता है, बट आई डिडंट एंड अप यूजिंग दिस ब्लाउज पीस। इनफैक्ट मैंने कॉटन फैब्रिक में एक सिमिलर वाइट कलर में ब्लाउज पीस बनवाया और उसका डिज़ाइन इंस्पायर्ड था इस ब्लैक ब्लाउज से, दी फेमस ब्लैक ब्लाउज, जिसके बारे में सब मुझसे अभी भी पूछते हैं कि प्रेरणा हम कहाँ से ऐसा ब्लाउज खरीद सकते हैं। ऑल्सो ये ब्लाउज मैंने जहाँ से बनवाया है, आप चाहो तो वहाँ से भी बनवा सकते हो। डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल दी डिटेल्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टाइलिंग, दैट इज ज्वेलरी, कि कैसा नेकलेस पहनूँ, कैसे स्टाइल करूँ वाइट साड़ी को वाइट ब्लाउज से। सो मुझे लगा क्योंकि मेरा आउटफिट अभी तक पूरा वाइट है, लेट मी इन्फ्यूज कलर इन दिस आउटफिट थ्रू माई ज्वेलरी। सो मैंने काफ़ी कुछ ढूंढा ऑनलाइन, ऑफलाइन, काफ़ी सारी वेबसाइट सर्च करी एंड आई फाइनली फाउंड दिस gorgeous necklace। The moment I saw this piece, मेरे दिमाग में था oh my god, ये ऐसा piece है जो साड़ी को एक subtle, elegant vibe देगा, उसमें color infuse करेगा मेरे outfit में और बहुत ही प्यारा लगेगा। I mean, I just couldn't take my eyes off this पिक्चर। टू बी ऑनेस्ट, बजट थोड़ा सा स्ट्रेच था, बट देन दिस इज़ वन पीस जो आई वुड से इज़ एन एयरलूम पीस, बहुत ही प्यारा पीस है। सो आई डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन इट एंड नाउ वॉज द टाइम टू पुट एवरीथिंग टुगेदर एंड सी कि फाइनल लुक क्या बना। सो सबसे पहला स्टेप होगा इसमें मेकअप। मेकअप के लिए मैंने सोचा कि बोल्ड लिप करूँगी, कुछ ऐसा जो नेकलेस के किसी कलर को कॉम्प्लीमेंट करे। अब क्योंकि मेरी लिपस्टिक डार्क होने वाली थी, आई डिसाइडेड टू कीप माय आईज वेरी वेरी सिंपल। सो फर्स्ट आई यूज्ड दिस आई शेडो पेंसिल बाय के ब्यूटी, बहुत प्यारी पेंसिल है एंड इट इज़ सुपर ईजी टू यूज़, बटरी स्मूथ, अच्छे से स्प्रेड हो जाता है और ये गोल्डन कलर ना बहुत प्यारा लगता है। अगर आप सिर्फ इस आई शेडो पेंसिल को लिड पर लगाओ और सिंपल सा एक आई लाइनर लगा लो, ट्रस्ट मी ऐसा लगेगा आपने बहुत तो मेहनत करी है अपने आई लुक में। सो पहले मैंने ये कलर लगाया, देन आई डिसाइडेड टू ब्लेंड दिस कलर अ बिट बाय यूजिंग अ ब्रॉन्जर। तो मैंने एक ब्रश पे थोड़ा सा ब्रॉन्जर लिया और उससे इसके एजेस ब्लेंड कर लिए ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखाई दे। एंड देन आई डिसाइडेड टू यूज़ सम हाईलाइटर और उससे मैंने यहाँ पे ब्राउ बोन थोड़ी सी हाईलाइट करी एंड द इनर कॉर्नर ऑफ द आई। इस हाईलाइटर का कलर ना बिल्कुल जो नेकलेस में एक पाउडरी गोल्ड है उससे मैच कर रहा था, तो मैंने सोचा ये हाईलाइटर आँख में भी यूज़ करती हूँ।
बस एक फाइनल स्टेप है. आई वॉन्टेड टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ आई लाइनर इन माई आईज, बट मैं बहुत ज़्यादा डार्क आई लाइनर नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरा डार्क लिप है, तो मैं आई लाइनर को अगेन थोड़ा सा फेडेड उस टाइप से रखना चाहती थी. सो आई टुक दिस एंगल्ड ब्रश, काजल लिया, ब्रश पर थोड़ा सा काजल लगाया एंड देन आई मेड लाइक अ फेक विंग. उसी से पूरा मैंने स्मज करा, लोअर लैश लाइन में भी थोड़ा सा लगा लिया, इनर वाटर लाइन में भी मैंने काजल लगा लिया, बस फिर मस्कारा लगाया एंड दैट इज माय आई मेकअप. बेस मेकअप मैंने रिकॉर्ड नहीं करा बट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी. मैंने अभी 2-3 हफ्तों पहले एक प्रॉपर डिटेल्ड बेस मेकअप और पूरे मेकअप का वीडियो बनाया था, जस्ट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसको चेक कर लेना. एंड देन वॉज टाइम टू मेक हेयर स्टाइल, कि अब हेयर डू क्या बनाऊँ इस आउटफिट के साथ. सो मैंने सोचा एक मेसी बन बनाना अच्छा आइडिया रहेगा, बिकॉज मेसी बन से क्या होगा, एक तो बाल पीछे रहेंगे तो नेकलेस अच्छे से दिखाई देगा, दूसरा थोड़ा कैजुअल भी लगेगा, लाइक बाल भी फेस से पीछे रहेंगे बट एट द सेम टाइम कैजुअल एंड व्हाट आई शुड से अ फ्लर्टी वाइब. दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. सो आई ट्राइड मेकिंग अ मेसी बन हियर. मैंने सामने के थोड़े से बाल आगे कर दिए और बाकी पीछे से बाल लिए, एक जूड़ा बना लिया. यू नो मैं जूड़ा बनाने के लिए ये जूड़ा क्लिप यूज़ करती हूँ, इससे मेरा जूड़ा बिल्कुल भी नहीं हिलता, उसी जगह रहता है और मुझे बहुत सारी पिंस नहीं घुसानी पड़ती. देन मैंने क्या किया कि एक एक स्ट्रैंड लिया आगे से, लूजली उस स्ट्रैंड को मैं जूड़े के अंदर पिन करती गई, बॉबी पिंस ली, हल्के हल्के ऐसे स्ट्रैंड लिया और उसको जूड़े में पिन कर लिया. इस तरीके से मैंने एक मेसी बन बना लिया. अब तक सब कुछ अच्छा लग रहा था. नाउ टाइम फॉर ज्वेलरी. सो मैंने नेकलेस पहना, इयररिंग पहना, सब पहना, फिर लिपस्टिक लगाई. सो इस नेकलेस में आप देख सकते हो एक चेरी मरून कलर है. आई थॉट इससे मैं अपनी लिपस्टिक मैच करती हूँ क्योंकि इससे नेकलेस और लिपस्टिक कॉम्प्लीमेंट होगा और आउटफिट में भी कलर ऐड होगा. लाइक आई टोल्ड यू, साड़ी भी वाइट है, ब्लाउज भी वाइट है. सो आई मेड दिस कॉन्कॉक्शन और फिर मैंने मरून लिपस्टिक टाइप, जो मैं क्लोजेस्ट शेड बना सकती थी इस नेकलेस के कलर से, वो मैंने बनाया. फिर बाकी मेकअप कंप्लीट करा, हाइलाइटर रह गया था, ब्रॉन्जर रह गया था, ऐसे फाइनल टचअप्स करे. नाउ वाज टाइम टू वेयर द साड़ी. सो यहाँ पर मैं अपने दो सेंस देना चाहती हूँ, होपिंग इट विल हेल्प यू. सो मैंने 2-3 हफ्ते पहले ये वीडियो बनाया था बट मैंने एंड में एग्जीक्यूट नहीं करा. क्यों? क्योंकि मैं एक न्यूड पेटीकोट के साथ इस साड़ी को पहनने चली थी. मेरी मम्मी ने मुझे स्ट्रिक्टली वॉर्न किया था कि न्यूड पेटीकोट बेटा नहीं चलेगा, वाइट साड़ी के साथ वाइट पेटीकोट ही चलता है, ऑफ वाइट भी तू पहनेगी तो भी वो अच्छा नहीं लगेगा. बट लाइक एवरी, आई डोंट नो, लाइक एवरी किड, मैंने कहा मम्मी आपको क्या पता है एंड आई डिडंट बाय अ वाइट पेटीकोट. फिर मुझे आज रीशूट करना पड़ा ये वीडियो. सो वाइट पेटीकोट खरीदना, अच्छी क्वालिटी का वाइट पेटीकोट खरीदना, इट शुड नॉट हैव लूज थ्रेड्स, बिकॉज अगर पतली जॉर्जेट की वाइट साड़ी पहन रहे हो अंडर स्कर्ट दिखेगी. सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट पेटीकोट. देन पूरी साड़ी ड्रेपिंग करी, अपनी पिन लगाई जो मैं थोड़ी सी पल्लू में लगाती हूँ और मैं रेडी थी फॉर पिक्चर्स. सो हम नीचे गए, हमने पिक्चर्स क्लिक करी, वैभव ने मुझे दिखाई एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड. मैं परेशान हो गई पिक्चर्स को देखकर. क्यों हो गई? क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगा लुक. सो वी केम बैक होम, आई वॉज प्रिटी अपसेट, मुझे समझ नहीं आ रहा था व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग. सो आई ट्राइड अ कपल ऑफ मोर हेयर स्टाइल्स, कभी मैंने बाल स्ट्रेट करने की कोशिश करी, कभी बाल कर्ल करने की, मतलब बहुत चीज़ें करी एंड फाइनली आप बिलीव नहीं करोगे मैंने क्या हेयर स्टाइल बनाया. टैन टैन यस, ये हेयर स्टाइल बनाया एंड एज माई मदर वुड से, यही चपटे बाल बनाने थे तो मैंने क्यों इतने एक्सपेरिमेंट्स करे. एज इन आई वेंट विद दिस स्लीक टॉप नॉट, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जो मैंने पहले हेयर स्टाइल बनाया था वो मेरे फेस को लिफ्ट नहीं कर रहा था. मुझे एक कंटेम्प्रेरी लुक चाहिए था, समथिंग दैट इज़ सुपर फ्रेश. बट आई फेल्ट जो मैंने मेसी बन बनाया था उससे मेरा फेस थोड़ा सा पुल डाउन हो रहा था. I was looking slightly older. Not that looking older is a bad thing, but I wanted to look like super contemporary and modern. ये मेरा आइडिया था इस लुक के पीछे. So मैंने एक हाई बन बनाया. हाई बन डेफिनेटली गिव्स फेस अ लिफ्ट
एंड आई एम प्रिटी हैप्पी. हेयर, ज्वेलरी, मेकअप, लाइक इतना सब प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद हियर इज़ द फाइनल लुक. मुझे बहुत अच्छा लगा. ऑल दो पिक्चर्स क्लिक करते करते शाम के 6 बज गए थे, सो मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई. अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप देना और कमेंट करके बताना क्या पार्ट आपको अच्छा लगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप अपना ध्यान रखना. बाय.